हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्ञानम। जिथे एग्जाम दी चढ़ी लगी वही सी उथे एक नोटिफिकेशन होर आउट हुई है। जी हाँ, पीपीएससी दी सीनियर असिस्टेंट दी 198 पोस्ट दी नोटिफिकेशन आउट हुई है। आप बहुत टाइम तो इस नोटिफिकेशन दा इंतजार कर रहे सी, ते फाइनली अज सरकार ने ग्रुप बी दी सीनियर असिस्टेंट दी नोटिफिकेशन नू आउट किता। आओ देखिए एदे विच की डिटेल दिती हुई है। सब तो पहला तो यह दिता गया है कि 198 पोस्ट विच केड़ी केड़ी रिक्रूटमेंट है, केड़ी केड़ी पोस्ट है। सब तो पहला तो 21 पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट हेड ऑफिस ग्रुप बी इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। हाँ जी, स्कूल एजुकेशन विच सीनियर असिस्टेंट दी 21 पोस्ट है। उस तो बाद 61 पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट सबॉर्डिनेट ऑफिस इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। 13 पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। मतलब वक् वक् डिपार्टमेंट विच किन्नी पोस्ट खाली है जिदे लिए रिक्रूटमेंट हो रही है, वो इत्थे डिटेल दिती हुई है। 78 पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट ग्रुप बी इन द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। एक पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट दी इन द डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड लिटिगेशन डिपार्टमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट, 12 पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। ठीक है। 4 पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत। 8 पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है जी। हाँ जी, उस तो बाद ये सारे लई आपा जो एक फॉर्म फिल करांगे, वो फॉर्म केड़ा होगा, वो द कैंडिडेट शैल फिल सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। हाँ जी, हर डिपार्टमेंट लई थोनू सेपरेट फॉर्म नू फिल करना पड़ेगा। क्लियर। उस तो बाद जो आपा हुने देखिया कि 198 पोस्ट विच केड़ी केड़ी पोस्ट है, ओही इत्थे दोबारा लिखी हुई है जो कि आपा हुने डिस्कस कीती है। ठीक है जी। हाँ जी, इस तो बाद आपा यह देखते हैं कि देखो जिवें कि सीनियर असिस्टेंट हेड ऑफिस ग्रुप बी इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन विच की दिता होया है कि जर्नल दी किन्नी पोस्ट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन दी किन्नी पोस्ट है, यह सारी डिटेल भी इस नोटिफिकेशन विच दिती गई है। हर पोस्ट दे रिगार्डिंग देखो, सीनियर असिस्टेंट दी आपां पोस्ट देखी, ओदे रिगार्डिंग भी दस्या गया है। इसी तरीके नाल सीनियर असिस्टेंट ग्रुप बी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई विच भी किन्नी जर्नल किन्नी रिजर्व, वो सारी डिटेल भी दिती गई है इस नोटिफिकेशन विच। ते असी यह PDF अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच अपलोड कर रखी है, ते जे तुसी चेक करना होवे तुसी ओथों भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज तुसी PPSC दी साइट तो भी चेक कर सकते हो। हाँ जी, देयर विल बी अ ज्वाइंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर 198 पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट। ठीक जी। हाँ जी, इस तो बाद इनिशियल पे स्केल की रहूगा, 35,400 अपना इनिशियल पे स्केल रहूगा, ते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रहूगा। सब तो पहला था कैंडिडेट को बैचलर डिग्री होनी चाहिए है किसी भी इंस्टीट्यूट दे विचों। ठीक है जी। मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी तो कैंडिडेट ने बैचलर डिग्री कितनी होनी चाहिए, क्वालिफाई इन द कॉम्पिटिटिव टेस्ट स्पेसिफाइड बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड एक चीज हो जो कि हमेशा क्या जानते, 120 घंटे का कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर का। जे थोड़े को नहीं है तो जे थोड़े को लेवल सर्टिफिकेट है वह भी चलूगा। ते होर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि सीनियर असिस्टेंट दे एग्जाम विच हमेशा मंगया जांदा है, कैंडिडेट नू इंग्लिश ते पंजाबी टाइपिंग टेस्ट नू क्वालिफाई करना पौगा, ते जो स्पीड है वो किन्नी चाहिए है 30 वर्ड्स पर मिनट। ठीक जी। हाँ जी, पंजाब दे पेपर विच हमेशा मंगया जांदा है कि 10th विच थोड़ी पंजाबी पास होनी चाहिए है। ठीक है जी। अदरवाइज जे थोड़ी 10th विच पंजाबी नहीं है तो तुसी पंजाब सिक्ख्या विभाग का पेपर भी तो भी पेपर क्लियर कर सकते हो पंजाबी का।
हाँ जी एज की चाहिए, जिवें कि पंजाब दे पेपर विच किया जांदा थोड़ी एज 18 तो घट नहीं होनी चाहिए ते 37 तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए 1 जनवरी 2022 दे अकॉर्डिंग। ठीक है जी। हाँ जी नेक्स्ट जे तुसी किसी कैटेगरी तो बिलोंग करते हो तो उस दे अकॉर्डिंग फिर अपन नूं देखना पौगा। सब तो इंपॉर्टेंट चीज पेपर दे बारे की कहा गया, की प्रोसीजर है। सब तो पहला तो रिटन एग्जाम होगा, मतलब जो पेपर होगा वो किवें होगा, OMR शीट नूं फिल करके होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 120 क्वेश्चन 480 मार्क्स। हाँ जी जनरल नॉलेज दे ते करंट अफेयर्स दे 80 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 4 नंबर 320 नंबर। ठीक है जी। ते उस तो बाद रीजनिंग ते क्वांट्स नूं मिला के 40 क्वेश्चन, मतलब 160 नंबर। टोटल पेपर होगा 480 नंबर दा। एमसीक्यूज रहेंगे, मतलब पेपर विच ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। फिर लिखा गया है देयर विल बी अ ज्वाइंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर 198 पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट। ते हर क्वेश्चन दे 4 नंबर होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। हाँ जी पेपर तो बाद PPSC आंसर शीट भी अपलोड कर देंदे। टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टर आफ्टर द रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट। मतलब पहला जिहड़े कैंडिडेट पेपर देंगे, जिहड़े उहदे विचों पास होंगे, फिर उन्हां दा की होगा टाइपिंग टेस्ट भी होगा। ठीक है। हाँ जी एग्जाम दी जो ड्यूरेशन होगी वो 2 आवर्स दी होगी। ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन हमेशा स्टूडेंट्स नू एंड तक की नहीं समझ आता पेपर किवें है, जबकि नोटिफिकेशन विच बड़ा क्लियरली मेंशन होंदा है कि एग्जामिनेशन इज अ पेन एंड पेपर बेस्ड। इत्थे ऑनलाइन पेपर नहीं है, ऑफलाइन पेपर है। ठीक है जी। हाँ जी यह सारी नोटिफिकेशन असी अपलोड की हुई है, तो जी सो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं वह क्ड के थोनू दस रही है। नो इंटरव्यू शिल बी कंडक्टड फॉर द सिलेक्शन ऑफ दीज पोस्ट। इतने इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ टेस्ट पास करना है। उस तो बाद टेस्ट तो बाद की करना है, एक टाइपिंग टेस्ट होगा बस। हाँ जी इंपॉर्टेंट चीज लास्ट डेट फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन और या फिर एडिटिंग फॉर द पोस्ट स्टेप 1, मतलब 5 जुलाई लास्ट डेट है थोनू अप्लाई करन ले, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नू फिल करन ले 5 जुलाई लास्ट डेट है। स्टार्ट डेट फॉर प्रिंटिंग सिस्टम जनरेटर बैंक चलान, मतलब हुण तुसी फीस तां भरोंगे पेपर भरने दा है ना, ते चलान निकलूगा, ते ओ चलान दी जो स्टार्ट डेट है स्टेप 2 जो है ओ 6 जुलाई तो तुसी फीस भरन लई चलान कढ सकदे हो, ते चलान नू प्रिंट करन दी जो लास्ट डेट है ओ 12 जुलाई है। मतलब 12 जुलाई तो बाद जे तुसी चलान नहीं कढ़िया तो तुसी फीस नहीं भर सकदे। ते लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन फी बाई यूजिंग द प्रिंट आउट सिस्टम जनरेटर बैंक चलान फॉर्म इस 13 जुलाई। ध्यान रखियो पहला की हुंदा सी रजिस्ट्रेशन कीती 3 दिन बाद फीस भरी ऑनलाइन काम खत्म, इत्थे ओह चीज नहीं है। ठीक है। 4 स्टेप है ते 4 स्टेप ध्यान नाल पढ़ियो। हाँ जी इस तो बाद हाँ जी हुण फीस बारे देख ली आपां। ऑनलाइन फीस भरन दा की सिस्टम है, जे तुसी किसी कैटेगरी तो बिलोंग करदे हो, तुसी SCO STO या BCO, थोड़ी फीस है 750 रुपए। जे तुसी एक सर्विस मैन हो पंजाब दे तो थोड़ी फीस किन्नी है 500 रुपए। हाँ जी जे तुसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन चो या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो थोड़ी फीस किन्नी है 500 रुपए। ते जे तुसी जनरल कैटेगरी तो बिलोंग करदे हो तो थोड़ी फीस किन्नी है 1500 रुपए। एक अपने कोल जॉब नहीं हुंदी, उत्तो महंगे महंगे पेपर,
ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਊ ਟੂ ਫਿਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਕਿ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸਾਡੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਬੈਚ, ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਚ 20 June ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ।